हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। गाइस, रेनी सीज़न आने वाला है जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इस समय हमारे गार्डन जो है वो बहुत अच्छा फलता फूलता है, तो इस सीज़न का फ़ायदा उठाने के लिए हमें इसके आने से पहले कुछ तैयारियां करनी होती है। उन्हीं की जानकारी आज के वीडियो में मैं देने वाली हूं। तो आप जानकारी का पूरा फ़ायदा लेने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहें, ताकि कोई भी टिप जो है वो आपसे छूटे नहीं। वीडियो को पूरा सीन करें। अगर आप भी ये चाहते हैं कि मानसून में आपका गार्डन जो है फूलों से भर जाए, आपके सभी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, तो उसके लिए जो काम करने होंगे वो ये हैं कि जून के महीने के अंदर हमारे कुछ प्लांट्स की दशा इस तरह की हो जाती है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण तो किन्हीं प्लांट्स का लाइफ सर्कल समाप्त हो जाने के कारण, तो इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं अब आप उन्हें उखाड़ लें, क्योंकि अब इनकी उपयोगिता नहीं है। समय है हमें नए सीड ग्रो करने का या फिर नर्सरी से लाकर नए प्लांट्स लगाने का। तो अपने गमलों में से इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें आप उखाड़ फेंकें, इन्हें लगाएं ना रखें। ये सिर्फ आपके गार्डन के अंदर इंसेक्ट पैदा करने वाले हैं। ये है फर्स्ट टिप्स। सेकंड है, जब आप इस तरह से इन पौधों को उखाड़ लें तो आपको इन्हें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। आप अपने प्लांट्स की जितनी भी सूखी लीव्स हों या सूखी टहनियाँ, ब्रांचेस वगैरह हो, उन सबको किसी भी वेस्ट कंटेनर में डालकर धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। अभी धूप है भी बहुत तेज़, तो 4-5 दिन के अंदर ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे और इनका यूज़ जो है हम गार्डनिंग में फिर से करने वाले हैं। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद का काम करते हैं, तो इसके लिए हम हमारे बगीचे से निकलने वाले इस कचरे को बिल्कुल भी नहीं फेंकें और इन्हें सुखा लें। दूसरा टिप्स हुआ। अब थर्ड टिप्स हैं कि जिन प्लांट्स को हमने खाली किया है उसकी मिट्टी को आप फर्श पर फैला करके सुखा लें, ताकि इसमें किसी भी तरह की छोटे छोटे इंसेक्ट, सूक्ष्म जीव या फिर फंगस हो, तो वो सब इस तेज धूप से ख़त्म हो जाए। आप कम से कम 2 दिन इस मिट्टी को धूप में फैला सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहें, अगर आपके पास स्पेस है, तो आप हफ्ता 10 दिन के लिए भी अपनी मिट्टी को इस तरीके से फैला सकते हैं। कम से कम 2 दिन उलट पुलट कर इसे अच्छी सी धूप ज़रूर दिखाएं। नेक्स्ट टिप्स हैं हमारा कि जिन गमलों को आपने खाली किया है उसे आप यूं ही नहीं छोड़ें, उन्हें भी आप धूप दे दें, या फिर धूप देने के अलावा आप इनकी अच्छे से धुलाई कर लें, जिससे
इनमें भी अगर किसी तरह की सूक्ष्म जीव हो या फिर फंगस, काई वगैरह इनके किनारों के ऊपर लग आती है तो वो छूट जाएं। तो अच्छे से वॉश करके प्लांटर्स को भी आप धूप दे दें। ये सभी काम करने के बाद में जब आप पॉट को फिर से भरेंगे तब हमारे ये सूखी हुई टहनियाँ और सूखी हुई पत्तियाँ प्लांट्स पर तेज गर्मी के इफ़ेक्ट के कारण कुछ पत्ते हमारे इस तरीके से पीले पड़ जाते हैं, तो हम इन्हें तोड़ लें वरना ये प्लांट्स से एनर्जी सक करते रहते हैं। तो इस तरह की लीव्स को आप तोड़ लें और इन्हें भी सूखने के लिए डाल दें। ये देखिए, और इस तरीके से आप सूखी हुई पत्तियों को इकट्ठा कर लें, इन्हें धूप में सुखा दें या फिर अपने कंपोस्ट बीन में डाल दें कंपोस्ट बनने के लिए। और जब नए प्लांट के अंदर आप फिर से पौधा लगाने वाले हैं तो ड्रेनेज होल पर मिट्टी का कोई इस तरह की टुकड़े जो हैं वो आप लगाएं ड्रेनेज होल के ऊपर, और फिर मिट्टी की 2 इंच की एक लेयर आप इसके ऊपर डालने के बाद जो हमने हमारे गार्डन का वेस्ट निकला है उसे भर दें। इससे हमें 2 फायदे होंगे, एक तो हमारे गमले जो हैं वो ज़्यादा भारी नहीं होंगे क्योंकि हम आधा आधा गमला जो है इसी वेस्ट से भरने वाले हैं, तो ये हमारा गमला जो है वो लाइट वेट रहेगा। पूरी अगर हम मिट्टी भरेंगे तो गमले ज़्यादा भारी हो जाएंगे। इन्हें भरने के बाद में हम ऊपर से फिर जिस मिट्टी को हमने धूप दी है उसके अंदर 2 साल पुरानी गाय के गोबर से बनी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट 1:3 के रेशो में डाल करके, 3 भाग मिट्टी है तो 1 भाग हम कंपोस्ट का लेंगे, इस रेशो में उसमें मिला करके गमले को फिल कर देंगे और उसमें फिर कोई नया पौधा डाल देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपके पौधे जो हैं वो किस कदर लहलहा उठ और ब्लूमिंग जो आप चाहते हैं देखना, वो ब्लूमिंग जो है वो आपके प्लांट्स में होंगे। तो गाइस, हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस जानकारी को अपने गार्डनिंग की हॉबी रखने वाले सभी फ्रेंड्स को भी दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, और हमें जो भी इंफॉर्मेटिव लाभदायक चीज़ें होती हैं उन्हें एक दूसरे से शेयर ज़रूर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।